भैया हाँ मैं जाऊँ? 8 बज गए। हाँ तू जा। वो भैया मैंने ना भैया को ना एडवांस का बोला था, अच्छा तो उन्होंने कहा था कि ना तब्बू से ले लेना। हाँ हाँ भैया ने मुझे दिए थे पैसे, ये ले 5,000 रुपये। भैया पर मैंने तो भैया को ना 10,000 के बोला था ना। यशिका देख, मुझे तो भैया ने यही पैसे देते हैं और बोला था कि यशिका को दे दियो, रख ले। ये बच गए 5,000। अब इनके करूंगा पार्टी। एक गोली तो यशिका को दे दी, अब दूसरी गोली दूंगा भैया को। दो गोली के 5,000 रुपए, धंधा तो अच्छा है। आठ बज गए हाँ जाओ। भैया, वो आज आप तनख्वाह दे देना। हाँ तेरी सैलरी है 15,000 रुपये, भैया 10,000 रुपये तूने एडवांस ले रखे हैं, ये रहे 5,000 रुपये। भैया पर मेरे को तो एडवांस 5,000 ही मिले थे भैया। इशिका झूठ बोलने की जरूरत नहीं, लिखे हैं 10,000 रुपये तूने एडवांस ले रखे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इशिका कैसे हो सकता है, जब मैं अपने हाथों से ना 10,000 रुपये दे के गया हूँ तो तुझे 5,000 रुपये कैसे मिल सकते हैं। तब्बू भैया ने मुझे 5,000 दे दें। आप तब्बू भैया से पूछ लो। तब्बू भैया, हाँ आप भैया को बताओ ना, आपने मुझे 5,000 दिए थे। भैया इधर आता, भी कितने पैसे दे गया था मैं तुझे। भैया जितने आपने दिए थे उतने मैंने दे दिए इनको। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो ना, आपने मुझे 5,000 दिए थे। सच क्या है, सच तो यही है ना, जितने भैया ने मुझे दिए थे उतने मैंने तुझे दे दिए। यशिका जब मैं अपने हाथों से 10,000 रुपये दे के गया हूँ तो तू 5,000 कैसे बोल सकती है। चलो भैया, आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ठीक है आप मेरा हिसाब कर दो। जहाँ पे विश्वास नहीं है ना, वहाँ पे मैं काम नहीं करती। अब बात काम छोड़ने की कैसे आ गई। अरे तूने सिर्फ 10,000 रुपये लिए हैं तो हाँ भर ले, सीधी सी बात है, तू इतनी बातें क्यों बना रही है। तो भैया आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? भैया मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को ना भैया ने 5,000 ही दे दिए एडवांस में। चला एक मिनट रुक जा, ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ। ये ले 5,000 रुपये। भैया पर मैंने तो भैया को 10,000 की बोली थी। यशिका देख, भैया ने मुझे जितने दे दिए उतने मैंने तुझे दे दिए। ताबिश ये क्या है, यशिका सच बोल रही है। ताबिश कितना विश्वास करके तुम्हें दुकान पर छोड़ के गया था मैं कि पीछे दुकान संभाल लोगे, और तुम ये सब कर रहे हो। सॉरी भैया, मुझे उस दिन ना पैसों की काफी जरूरत थी और आप मुझे 10,000 रुपये दे के गए, तो मैंने सोचा कि यशिका को कुछ भी सच झूठ बोल दूंगा और मेरा काम भी बन जाएगा। भैया उस मजबूरी में मैंने 5,000 रुपये निकाल लिए। सही कह रही है, मैंने इसको 5,000 दिए थे भैया। मांग लेते ना मुझसे, लेकिन तुम तो अब भी झूठ बोल रहे हो कि मैंने यशिका को 10,000 रुपये दिए थे। पता है इतने सालों से ये काम कर रही है यहाँ पर, कितना विश्वास है मुझे यहाँ पर काम करने वालों पर, लेकिन तेरी वजह से ना उस पर से विश्वास हट गया। मैंने भी उसको गलत सलत बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया सिर्फ तेरी वजह से, और तुझे अब भी है ना अपनी गलती का एहसास नहीं है, अब भी बराबर झूठ बोले जा रहा है। ऐसा है मुझे तुम जैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ से जा सकते हो। भैया गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उस दिन भैया मैं मजबूरी थी मेरी, बस उस वजह से हो गया ये काम, आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मजबूरी थी तो मुझे बताते ना, आइंदा कौन करने देगा तुम्हें। जब तुम यहाँ काम ही नहीं करोगे तो आइंदा गलती होगी कैसे। तुम जाओ, जा सकते हो यहाँ से। यशिका भैया सॉरी भैया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भैया। भाई मुझे तुम जैसे लड़कों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे की वजह से ना दूसरों पे इल्जाम लगे, अच्छी बात है क्या। चलो निकलो जाओ, बाद में सोचूंगा तुम्हारे बारे में। आई एम सॉरी, मुझे ना
इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था। मुझे तुम पे विश्वास रखना चाहिए था। कम से कम जो काम मैंने अब किया है, बाद में कैमरा चेक किया है, वो मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया? गलती मेरी भी है तो उसके लिए मैं दोबारा सॉरी बोलता हूँ। और तुम्हें कहीं काम छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, तुम काम यहीं करोगे और आज के बाद ना ताबिश का भी काम तुम ही संभालोगे, ठीक है? चलो ये लो 5,000 तुम्हारे और ये 5,000। ठीक है भैया, थैंक यू भैया।